मतलब जैसे गाड़ियों को बोला कि पीछे कर लो, बैक कर लो गाड़ियाँ, उतने को हमारे को नहीं लगा, ऐसा ही लगा ऊपर से कि पहाड़ गिर गया ऊपर हमारे। और जैसे हम मतलब मलबे में गिर मतलब दबने वाले थे, वैसे ही हम डांग के साथ चिप गए। हमने गाड़ी पीछे रख ली, जैसे हम मोड़ के पास आके गए, पैदल चल के गए खुद, और गाड़ियां भी थी वहां पे। तो जैसे हम वापस आए, उतने को नहीं निकलनी थी वहां पे, क्योंकि ऊपर से पत्थर गिर रहे थे, ज्यादा पत्थर गिर रहे थे। जैसे हम वापस आए अपनी गाड़ी के पास, तो वहां भी पत्थर गिरना स्टार्ट हो गए। फिर इतना मतलब जैसे गाड़ियों को बोला कि पीछे कर लो, बैक कर लो गाड़ियाँ, उतने को हमारे को नहीं लगा, ऐसा ही लगा ऊपर से कि पहाड़ गिर गया ऊपर हमारे। और जैसे हम मतलब मलबे में गिर मतलब दबने वाले थे, वैसे ही हम डांग के साथ चिप गए। कितने लोग थे? मैं था, कनेक्टर था, एक बस में कितने लोग पैसेंजर, और बस में सर 24 बंदे थे जो कि अभी ध्यान में। रेस्क्यू पिछले कल से जो शुरू हुआ था, अभी तक वो जारी है। अभी तक 14 डेड बॉडी रिकवर हुई है, 13 लोग घायल हैं, और घायलों को देखने के लिए भी हम यहां पर आए थे। आज सुबह शिमला से आकर के हमने उस स्पॉट का एरियल व्यू भी लिया, ऊपर से देखा भी, और उसके बाद सड़क मार्ग से वहां स्पॉट पर जहां ये घटना घटित हुई है वहां पर भी पहुंचे। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा एनडीआरएफ की टीम का, आईटीबीपी की टीम का। बहुत कठिन रेस्क्यू ऑपरेशन है ये, जिसको जान को जोखिम में डाल करके वो जो है वो बहुत अच्छी तरह से करने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले कल रेस्क्यू में कठिनाई ये आई कि ऊपर से पत्थर लगातार आ रहे थे, और आज भी वो खतरा अभी तक टला नहीं है, क्योंकि आज भी छोटे पत्थर अभी तक भी आ रहे हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद रेस्क्यू हमारा चला हुआ है। एक बस की जो तलाश हम पिछले कल से कर रहे थे, वो सड़क पर जब नहीं मिली रात को देर, तो मालूम हुआ कि इसका मतलब कि वो नीचे गिरी होगी, सड़क से नीचे चले गई। और आज सुबह जब 4 बजे के करीब जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन और सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ, तो बस के बहुत अलग अलग टुकड़े मिले, बहुत बुरी हालत में मिली, तो उसमें से जो है 4 लोगों की डेड बॉडीज भी रिकवर हुई है, बाकियों की तलाश अभी तक जारी है। और हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से हमने इसमें जो रिलीफ के तहत जो है वो 4 लाख हम सरकार की ओर से दे रहे हैं, और उसमें ट्रैवल कर रहे थे उन लोगों को ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की ओर से भी 1 लाख रुपये मिलेगा, उनको 5 लाख रुपये मिलेगा। और ऐसे में जो घायल हैं उनको, जो गंभीर रूप से घायल हैं उनको 50,000 रुपये, और इसके अतिरिक्त जो लोग जिन लोगों को छोटी चोटें लगी हैं, थोड़ी चोटें लगी हैं, गंभीर रूप से नहीं है, उनका पूरा खर्चा इलाज का जो है वो हिमाचल प्रदेश सरकार उठाएगी। आपने सर हॉस्पिटल भी विजिट किया है, कंडक्टर को शिफ्ट करने को बोला है आपने, क्या स्थिति है अभी, आपने देखा है जो पेशेंट्स हैं? कंडक्टर का पांव फ्रैक्चर है, बताया गया है कि वहां उसमें सर्जरी होनी है, तो हमने उनको कहा कि उनको तुरंत यहां से शिफ्ट कर दी जाए, और रेफर करके रामपुर या शिमला जहां भी ले जाना है तो ले जाकर के वहां पर इनका ट्रीटमेंट, एक लेडी ऑलरेडी जो है वो आईजीएमसी में पहुंचा दी गई है, वो रेफर कर दिया गया है और वहां पर उसका उपचार चल रहा है। ड्राइवर की जो स्टेटमेंट है, सेइंग 24 लोग थे, तो क्या अभी 20 मिसिंग हैं, क्या एग्जैक्ट? यहां तक उनकी बात का कहना, उनकी जो बात है उसके मुताबिक तो ये है कि 24-25 आपके बस में हमने पहले सर गाड़ियां रोकी थी वहां पर, छोटी गाड़ी 100 मीटर जहां पर। सर इन्होंने देखा है वो ड्राइवर चला रहा था, इसलिए जल्दी उतर गए सर गाड़ी से ना, अपने आप को डांग के नीचे छुपा लिया, तो उसकी वजह से ये सेफ हो गए। हिमाचल के सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर, सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव,
मोटर मैकेनिक और ड्राइवर, शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज, तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजें अपना बायोडाटा HR@goelmotor.com पर।